हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं 11th बेस की क्लास 8 और जिसका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ये कैसा टॉपिक है जो आज ही शुरू होएगा और आज ही खत्म हो जाएगा, इतना ही ये टॉपिक है। और सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये IIT नेट में इतना नहीं आता, ये बोर्ड्स में और जो हम और एक्स्ट्रा फॉर्म जो भरते हैं उनमें ज्यादातर ये क्या होता है, यूज होता है। और इसका जो यूज होता है वो जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पे जो ऑब्जर्व वैल्यू होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज होता है। उसमें भी क्या होता है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो 11th बैच की क्लास 8 है। ओके, पहले सबसे पहले हम ये देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है मीनिंगफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट। मीनिंगफुल डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या नाम मतलब है, मीनिंगफुल डिजिट। यानी कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये हमें पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो हमें बताना है। मान लीजिए कि हमें क्या दे देगा, इसको ये नंबर हमें दे दिया, ये दे दिया, ये हमें दिया 98174, ये नंबर हमें दे दिया। तो इसमें ये बताना है कि कोई नंबर हमें दे देगा, उसमें ये बताना होता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यही सिग्निफिकेंट फिगर जानने के लिए किस प्रकार हम बता सकते हैं कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसको पढ़ने के लिए इसमें हमारे पास रूल 10 रूल है। 10 रूल हम पढ़ेंगे, वो 10 रूल पढ़ने के बाद आप सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको वो 10 रूल अपने माइंड में सेट हो गए तो आप बता सकते हो कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर आता है ये IIT नीट में कम आता है, पर जो बोर्ड्स होते हैं और एक्स्ट्रा जो फॉर्म हम भरते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट। और सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्लासेस हमने पढ़ ली उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, और जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी क्या है, इसका कोई रोल नहीं है। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिससे किसी और टॉपिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ओके, तो जो हमने पढ़ लिया उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, कोई इसके में यूज नहीं होगा जो पीछे हमने पढ़ लिया, और जो आगे पढ़ेंगे उसमें भी इसकी कोई यूज नहीं होगा, और जो आगे हम पढ़ेंगे उनका भी इसमें कोई रोल नहीं होगा। अपने आप में ये अलग टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि 1, 2, 3, यानी कि 1 से लेके 9 तक जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें जीरो नहीं है वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। All of these are all non-zero digit are significant figure. Okay, rule number first यही है, all non-zero digits are significant. Significant figure. All non-zero digits are significant figure. जिसमें zero नहीं है, जिस भी डिजिट में जीरो नहीं होगी वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लीजिए हमें दे दिया 2, 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, 2, 1, 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर दे दिया 2, 4, 7, 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 4। या फिर कोई भी मोबाइल नंबर हमें मान लीजिए दे दिया, ये हमें मोबाइल नंबर है किसी का मान लिया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, 10 सिग्निफिकेंट फिगर है। या भी हमें दे दिया 2, 1, 2, 7, ये किसी का हाउस नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, 3। यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट कि जिस भी डिजिट में जीरो नहीं होगी वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको इसको नोट कर लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास यही है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, नोट डाउन। ओके, तो आपने रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लिया होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट,
सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर टू पहले मैं लिख देती हूँ। रूल नंबर 2, 0 between 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरोज हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए कैसे कि 1, यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या है नॉन जीरो, ये भी हमारे पास नॉन जीरो है, तो इन दो नॉन जीरो के बीच नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरोज हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हमारे पास रूल नंबर 2 है कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरो है चाहे वो कितनी भी जीरो हो वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। मान लीजिए ऐसे भी अगर लिख दिया जाए तो ये हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें हो जाएगी। या फिर हमारे पास 101 02 07 इसमें कितने सेकेंड फिगर हैं, तो इस केस में भी हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास, इनके बीच जीरो तो ये क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इस केस में भी ये क्या है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट और इनके बीच सिग्निफिकेंट जीरो है तो ये भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों के बीच भी दो नॉन जीरो डिजिट के भी जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी हमारे पास 8 होगी, यानी कि 0 between 2 नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट होगी। अगर किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट चाहे वो बीच में प्रेजेंट हो चाहे कहीं पे भी तो उस केस में वो क्या आती है सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होती है। ये हमारे पास है रूल नंबर 2। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, 0 between 2 नॉन जीरो डिजिट, कि जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। ओके, दिस इज द रूल नंबर 2, आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने ये नोट कर लिया होगा रूल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। Rule number 0 present 1st नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमारे पास क्या है ऑल जीरो बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ ऑल जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमारे पास क्या है कि अगर किसी पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरोज हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे यूनिट हो, चाहे उसमें क्या प्रेजेंट हो डेसिमल हो चाहे उसमें यूनिट हो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी नॉन सिग्निफिकेंट। इफ देयर इज डेसिमल और यूनिट आर प्रेजेंट, चाहे डेसिमल हो चाहे उसमें यूनिट हो लास्ट में तो भी हमारे पास ऑल जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मान लीजिए इसमें क्या गया 0.0027 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और इससे पहले हमारे पास क्या है जीरो है तो वो हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे उसमें यूनिट लगा हो चाहे इसमें लास्ट में डेसिमल हो चाहे यूनिट हो कुछ भी हो तो वो हमारे पास क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी।
या फिर हमारे पास टू, तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगी, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इससे पहले जीरोस प्रेजेंट है, तो वो क्या होती है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ओके, या फिर हम ऐसे लिख दें 0432 मीटर, अगर लास्ट में यूनिट भी अगर इसमें लिख दी गई तो उस केस में भी ये नॉन जीरो डिजिट जो जीरोस हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। तो इसमें भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, थ्री। अगर ऐसे लिख दिया जाए 0.02001, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हमारे पास क्या, ये इसमें सेकंड रूल, तो ये हमारे पास इसमें फोर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। जो रूल नंबर टू हमने पढ़ा था कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, पर ये नहीं होंगी क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट से पहले है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास, फोर हो जाएंगे। चाहे लास्ट में यूनिट हो, चाहे उसमें डेसिमल लगा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो हैं तो वो हमारे पास क्या हो, वो क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। दिस इज द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर थर्ड, दिस इज द रूल नंबर थर्ड। आप नोट कर लीजिए, अभी तक हमने तीन रूल पढ़े। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकेंड रूल हमने पढ़ा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। और थर्ड रूल हमने पढ़ा कि ऑल जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, इफ देयर इज डेसिमल और यूनिट आर प्रेजेंट, चाहे डेसिमल हो चाहे यूनिट, दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो भी नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, रूल नंबर थर्ड। जो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर फोर एंड फिफ्थ, रूल नंबर फोर और फिफ्थ हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रूल है, दोनों ही फोर एंड फिफ्थ। तो रूल नंबर फोर पहले मैं लिख दे रही हूँ, रूल नंबर फोर और फिफ्थ हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे, रूल नंबर फोर और फिफ्थ हम क्या पढ़ेंगे, इकट्ठे ही पढ़ेंगे। रूल नंबर फोर, ऑल टर्मिनल जीरो, All terminal zeros are non-significant figure. If there is no decimal and no unit. All terminal zero are non-significant if there is no decimal and unit. अगर decimal और unit नहीं है तो उस केस में all terminal zero क्या होंगे हमारे पास, non-significant figure होंगी। All terminal क्या होंगी, non-significant। अगर इसमें अगर हम लिखें rule number four, all terminal zeros are significant. Either unit or decimal are present. क्या है, अगर उसमें यूनिट और डेसिमल है तो उस केस में क्या होगी, ऑल टर्मिनल जीरो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर डेसिमल नहीं है तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। मान लीजिए कि हमें कह दिया 2300, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कोई यूनिट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। फिर आप कहोगे कि 2300 और 23 में फिर कोई फर्क नहीं है, तो उस केस में जिसमें क्या है, यूनिट भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो उस केस में
इसमें क्या है हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है टर्मिनल जीरो। अगर फिर क्या होगी कि 23 रुपए और 2300 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस केस में 23 रुपए लास्ट में कोई यूनिट लगा दी तो उस केस में तो काउंट होंगी हमारे पास। अगर यूनिट और डेसिमल आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर यूनिट और डेसिमल नहीं है तो उस केस में वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2300 मीटर, तो उस केस में ये क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इस केस में हमारे पास बोला जाए तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 3, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ओके, और अगर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास कितनी हो जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, तो डेसिमल आ गया तो ये वाली जीरो हमारे पास क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या आ जाए हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, कितनी 4। तो अगर चाहे डेसिमल यहाँ पे भी हो, डेसिमल क्या हो हमारे पास, अगर डेसिमल आगे भी है तो उस केस में भी क्या होंगी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी। चाहे डेसिमल और यूनिट, डेसिमल कहीं पे भी प्रेजेंट हो और लास्ट में अगर यूनिट है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लीजिए 0.001 4200 ये हमारे पास कह दिया, तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इस केस में भी किस पूरे ही नंबर में कहीं पे भी डेसिमल तो आया है ना, तो ये वाले तो क्या हो जाएंगे हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, पर ये वाली नॉन, ये वाला क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल आ गए इस पॉइंट में, तो लास्ट वाली जीरो क्या हो जाएंगी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। पहले वाली तो क्या है, पहले वाली तो चाहे यूनिट हो चाहे डेसिमल हो उस केस में क्या होती है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले बिफोर अगर हमारे पास जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती है, पर अगर डेसिमल उसमें आ जाती है तो टर्मिनल जीरो हमारे पास क्या बन जाती है सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है। ओके, तो हमारे पास रूल नंबर 4 क्या है, ऑल टर्मिनल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल एंड नो यूनिट। अगर कोई भी डेसिमल और कोई भी यूनिट नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी वो टर्मिनल जीरो होंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। अगर डेसिमल और यूनिट प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगी जो टर्मिनल जीरो है वो क्या हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। ओके, और हमने पढ़ा कि बिफोर, पहले अगर है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले है, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे यूनिट हो, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले है हमारे पास तो वो हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ओके, वो हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो आपको रूल नंबर और 4 और 5 आपको समझ आएंगे, आप एक एक एग्जाम्पल को अगर ध्यान से समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ, रूल नंबर 4 है ऑल टर्मिनल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नो यूनिट एंड डेसिमल, नो यूनिट एंड डेसिमल, अगर कोई भी यूनिट और डेसिमल नहीं है पूरे नंबर में तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। और रूल नंबर 5 है ऑल टर्मिनल जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ आइदर इज डेसिमल और यूनिट आर प्रेजेंट, अगर उसमें डेसिमल और यूनिट प्रेजेंट है तो उस केस में जो हमारे पास टर्मिनल जीरो है वो हमेशा ही क्या रहेंगी सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिए रूल नंबर 4 और 5। तो आपने रूल नंबर 4 और 5 आपने नोट कर लिया होगा, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर सिक्स है पावर ऑफ टेन आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। वो क्या रहेंगी, हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। पावर ऑफ टेन इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इफ आइदर इज डेसिमल और यूनिट आर प्रेजेंट, अगर डेसिमल और यूनिट भी अगर प्रेजेंट है तो उस केस में भी पावर ऑफ टेन क्या रहेगी, हमेशा ही वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल अगर रखें 2.3 × 10 की पावर 5, ये हमें लिख दिया गया,
तो इस केस में ये पूरा 10 भी और इसकी पावर ये पूरा ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पूरा ही क्या है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और जो बचे हुए हैं कि हमें इसमें देखने का है, तो जो 5 रूल हमने पीछे पड़े हैं वो हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें ये क्या है नॉन जीरो डिजिट है, जो हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे इसमें 2 ही हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमें कह दिया गया 0.02 × 10⁻¹⁶, तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। और हमें पता था कि फर्स्ट रूल नंबर सेकंड हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो है चाहे उसमें यूनिट हो चाहे डेसिमल हो, तो उस केस में वो क्या होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 1, 2, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे। अगर लिख देते हैं 2 × 10⁻¹⁰ m, तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है चाहे यूनिट हो, तो ये हमारे पास इसमें कितने हो जाएंगे 4। अगर हमें लिख दिया गया, मान लीजिए क्या दे दिया गया, इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने रूल नंबर, ये तो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, पावर ऑफ 10 हमेशा ही क्या रहेंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। इसमें हमारे पास एक रूल पड़ा था कि ऑल टर्मिनल जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज डेसिमल और यूनिट आर प्रेजेंट, अगर डेसिमल और यूनिट प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होती है टर्मिनल जीरो। तो इसमें डेसिमल है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास 6। ओके, या फिर मैं लिख दे, तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 5, क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जीरोस हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो हमारे पास रूल नंबर 6 क्या है, पावर ऑफ 10 आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तक हमने 6 रूल पढ़े, और अगर देखा जाए तो 6 के 6 रूल हमारे पास, जो 5 रूल हमने पहले पढ़े वो रूल नंबर 6 में हमने अप्लाई करके देख लिए। ओके, तो रूल 6 रूल हमने पढ़ लिया, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, तो आप इस रूल को लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके, आपने रूल नंबर 6 नोट कर लिया होगा, और मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आपको आईआईटी नीट व बोर्ड की फिजिक्स की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और हर एक क्लास पे बेस्ड डीपी भी होगी, जिसमें उस क्लास में जो पढ़ाया गया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप पूरा लेक्चर देखिए अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में आपका पूरा लेक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और हर एक डीपीपी, वो डीपीपी होगी वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी का लिंक मिल जाएगा, वहां से डीपीपी डाउनलोड करके आप उस डीपीपी को सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड बात कि हर एक डीपी का अगर क्वेश्चंस आपके नहीं होते हैं तो हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो वहां से आप हर एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर सेवन है हमारे पास, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्टेड वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम then no change in significant figure, significant figure में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं, यानी कि वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर चेंज करते हैं, तो उसकी
सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, रूल नंबर 7 यही है कि मान लीजिए कि अगर हम 1 मीटर को क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर को क्या लिखेंगे 100, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो ये लिखना क्या है गलत है। ओनली आप कहेंगे फिर हम ऐसे हमेशा ही लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो उस केस में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसा लिखना क्या है गलत है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी कि इस रूल के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसा लिखना क्या है गलत है। अगर हम किसी भी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 10^2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी हमारे पास हमने रूल नंबर 6 क्या पढ़ा था, पावर ऑफ 10 क्या है हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी 1 है इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने जब कन्वर्ट करा तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, अगर हमें 1 kg इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, अगर हम ऐसा लिखते हैं 1000 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या होगा गलत होगा, क्योंकि हमने पता है कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या होगी 4 होगी, क्योंकि टर्मिनल 0 क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, अगर उसमें यूनिट और डेसिमल है तो ये हमारे पास 4 पर इसको हम क्या लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1 × 10^3 ग्राम, 1 × 10^3 ग्राम। अब इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या फिर हम लिखे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर, क्या जाएगा 10^-2 मीटर, तो इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 1 × 10^-2 मीटर, और रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग पावर ऑफ 10 क्या होती है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से 1 ग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × 10^-3 kg, ओके 1 × 10^-3 kg, तो ये हमारे पास क्या है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ते हैं कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं तो क्या होती है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगी, इसमें भी क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी, चाहे उसमें यूनिट हो चाहे उसमें डेसिमल हो, तो उस केस में अगर इसमें पूछा जाएगा अगर हमारे पास क्या देगी, तो वैसे मैंने एक से एग्जांपल बता दिया पीछे का है, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 × 10^8, ये रूल नंबर 6 का एग्जांपल था, 3 × 10^8 में अगर मीटर पर सेकेंड अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगी 1, ये रूल नंबर 6 का एग्जाम्पल है। पावर ऑफ 10 क्या होंगे हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये ओनली इसी में हम अप्लाई कर रहे हैं इसी टॉपिक में कि अगर एक सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो उसमें उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने रूल नंबर 7 नोट कर लिया होगा। पहले मैं रूल नंबर 8 लिख दे रही हूँ, रूल नंबर 8 है हमारे पास ऑल काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हमारे पास रूल नंबर 8 है ऑल काउंटिंग ऑब्जेक्ट, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, आप फिर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर।
काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसमें हमेशा ही क्या होती है, इनफाइनाइट सिग्नेट फिगर होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फाइव पेन किसी ने बोल दिया कि फाइव पेन है, तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइट सिग्नेट फिगर होंगे। इसमें क्या होंगे हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि वो संख्या चेंज नहीं हो सकती, वो एक काउंटिंग ऑब्जेक्ट है। इसके साथ क्या गया, पेंस लगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कहेंगे कि सेंटीमीटर मीटर, वो क्या है हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है। सेंटीमीटर मीटर और ये क्या है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। पेन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। बॉयज, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। गर्ल्स, बुक्स, ये सभी क्या है ऑब्जेक्ट है। मार्कर कुछ भी अगर हम लेते हैं, फोन्स, मार्कर, फोन, पेन, पेंसिल, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उस केस में अगर हम उसको काउंट करेंगे तो उसमें क्या होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। उस केस में क्या होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हम यहाँ पे लिख दिया गया 10 बॉयज, तो इसमें क्या है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। 5 गर्ल्स, तो इसमें भी क्या है हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसमें भी क्या है हमारे पास इनफाइनाइट फिगर। 15 बुक्स, अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की बात आती है तो उस केस में वो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट। अगर हम कोई चीज वो, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोले 5 kg, 3 kg, 4 ग्राम, वो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उसको मेजर कर रहे हैं। वो एक अलग से वैल्यूज है जो कि हम उसको मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, 5 pen, 10 boys, 5 girls। ये अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 5 ही रहेंगे। अगर जो वैल्यू हम मेजर करते हैं, मान लीजिए हमने 4.3 kg ये हमने मेजर किया, तो वो 4.3 kg हमने बता दिया 4.25 kg, तो वो क्या है हमारे पास, वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया है कि ये सभी काउंटिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इनफाइनाइट। अब मैं बताऊं कि ये कैसे, अगर इसको बताएंगे कि ऐसे होता है कि इनफाइनाइट काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई भी लेंथ या मेजर की, तो हमने एक बच्चे ने कर दी 2.1 सेंटीमीटर, ओके, एक ने कर दी 2.10 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या हो गया, एक ने इसको मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि जिस चीज से उसने मेजर किया उसका जो लीस्ट काउंट था वो क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। क्या था उसका, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट था, यानी कि वो जितना मेजर कर सकता था कम से कम वो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही मेजर कर सकता था। और दूसरा जो था वो क्या कर सकता था, डेसिमल के बाद दो डिजिट तक मेजर कर सकता था। अगर तीसरा आ जाए 2.100, तो ये क्या कर सकता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, इसका डिस्काउंट क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने आपको बताया था, एक है हमारे पास सिंपल स्केल जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर, जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। एक मैंने बताया था स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। एक था हमारे पास वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों ही क्या है, यानी कि अगर हम माने तो इसकी ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसने 4 डिजिट वो बता सकता है, तो इसने क्या बताया, 1 डिजिट बताया, इसने 2 डिजिट बताया। अगर ये मान लीजिए इसने बताया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 142, यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी हो सकता है 421, तो मान लीजिए कि उसने 2.1 सेंटीमीटर ही बताया। अगर मान लीजिए कि 4 डिजिट का 4 हो गया, तो उस केस में ये तीनों ही क्या है, वैल्यू अलग अलग है, इन तीनों में ही क्या है, अलग अलग है। इसमें अगर कोई भी अगर ऐसे लिखे तो 2.1000 कितने भी डेसिमल, और इसमें हम लगा सकते हैं 5.000 कितने भी डिजिट हम लगा सकते हैं। किसी ने कहा कि 5 pen, तो उसमें गलती नहीं हो सकती, वो 5 के 5 ही रहेंगे। तो अगर इसमें डेसिमल आ गया तो लास्ट वाली डिजिट क्या होंगी, काउंट होंगी, लास्ट वाली डिजिट क्या काउंट होंगी। तो 5 के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, वो 5 के pen 5 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप ये कहेंगे कि फिर इसमें भी हम जीरो कितनी भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आप 4 डिजिट तक काउंट कर रहे हैं, तो अगर जो जिस चीज से आप मेजर कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद 5 डिजिट बता सकता है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट बता सकता है। एक आपके पास है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट बता सकता है, तो उस केस में एक ने बता दिया 4,
थ्री डिजिट तक बता दिया और दूसरा फाइव डिजिट तक बता सकता है यानी कि 1002। तो ये इसका लास्ट वाला डिजिट क्या हो सकता है, 2 भी 5 भी 8 भी। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट के केस में इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के केस में डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, पर इस केस में अलाउड नहीं है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट के केस में अलाउड है कि हम पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, इनफाइनाइट जीरो हम लगा सकते हैं, पर इस केस में अलाउड नहीं है क्योंकि वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो यही है कि जो वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं तो पॉइंट का भी उसमें फर्क पड़ता है, तो उस केस में वो सारा आंसर क्या हो जाता है, सारी मेजरमेंट गलत हो जाते हैं। पर अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो 10 बॉयज हैं तो वो 10 ही रहेंगे, वो 10.5 नहीं हो सकते, 10.25 नहीं हो सकते, क्योंकि वो होगा तो पूरा ही होगा 10.25, आधा लड़का आधा गर्ल, ऐसे हम नहीं कह सकते कि पेन आधा होगा 5.5 पेन, ऐसा नहीं हो सकता। वो 5 होंगे या 6 होंगे, वो उसकी क्या है, हमें कन्फर्म है कि वो 5 के 5 ही रहेंगे। अगर वो कन्फर्म है 2.1 सेंटीमीटर है तो उसके जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर ही तक ही बता सकता है। अगर नेक्स्ट डिजिट यानी कि इसने बताया 2.10 तो वो कन्फर्म है कि इसका ये जो सेकंड डिजिट होगा वो जीरो ही होगा। ओके, तो वो यानी कि उसका लीस्ट काउंट क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बता सकता है। ओके, तो यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो ये होगी, ना कि ये होगी ना कि ये होगी। तो इस केस में हम डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट जीरो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, पर इस केस में हम लगा सकते हैं। अगर उसने कहा 5 पेन है तो 5 ही पेन रहेंगे, वो 5.5 नहीं हो जाएंगे, 5.056 नहीं हो जाएंगे। ओके, तो ये है कि काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, रूल नंबर 8। वो आपने 8 रूल्स हमने पढ़ लिए। अब रूल नंबर 9 और 10 पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम है, राउंडिंग ऑफ। रूल नंबर 8 और 9 और 10 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। इस राउंडिंग ऑफ के ही क्या है, हमारे पास 4 रूल हैं जो कि हम पहले भी छोटी क्लासों में भी हम पढ़ते थे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, कि लास्ट वाले डिजिट को हटाना है तो पहले वाले के इंक्रीज होगा कि सेम रहेगा कि क्या होगा। तो इसके भी हमारे पास क्या है, 4 रूल्स हैं। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ, पहले मैं लिख दे रही हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। इफ इसका वन क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जो डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो लेस देन 5 है तो देन प्रीसेंडिंग डिजिट लेफ्ट एंड चेंज, जो उससे पहले वाला डिजिट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका अगर हम एग्जांपल करें, एग्जांपल क्या मान लीजिए कि 5.41 है, ये हमें दे दिया गया, हमें 1 को हटाना है, 1 को क्या करना है, हटाना है। तो ये क्या हमारे पास लेस देन 5 है, 1 क्या है, लेस देन 5 है, तो इसे प्रीसीडिंग डिजिट, इससे पहले वाले डिजिट को हम बोल रहे हैं, तो इसको हमें ड्रॉप करना है। तो ये क्या है, लेस देन 5, तो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, सेम, तो इसको हमें ड्रॉप करना है, तो सीधा हम इसको ड्रॉप कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5.4 ही आ जाएगा। यानी कि द डिजिट टू बी ड्रॉप, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो उससे जो पहले वाला यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कि और एग्जांपल अगर ले, 5.764 ये हमें दे दिया गया, तो हमें ये वाला डिजिट अगर हटाना है, ड्रॉप करना है, तो ये क्या है, लेस देन क्या है 5, तो ये क्या रह जाएंगे, 5.76, ये क्या रह जाएगा हमारे पास, 5.76 एज इट इज ही रह जाएगा।
अगर कह दिया 4.3 62, ये हमें कह दिया गया, तो इस डिजिट को हमें हटाना है, तो ये क्या लेस देन 5 है, तो एज इट इज रह जाएगा 4.36, या जाएगा हमारे पास 4.36, या फिर हमें कह दिया 4.632, इसको हमें कह दिया, तो ये वाला डिजिट हमें ड्रॉप करना है। तो इस केस में क्या क्या हो जाएगा कि लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रह जाएगा, सेम 2, 3। अब इस केस में भी ये वाला डिजिट भी अगर हटाना है तो ये भी क्या है, लेस देन 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 4.6। अगर हमारे पास डिजिट को हमें हटाना है अगर वो लेस देन 5 है, अगर वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज ही रहेगा, इसका रूल नंबर फर्स्ट यही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लिया होगा, इसी का रूल नंबर सेकंड अगर हम पढ़ें, अब हम पढ़ेंगे इसी का रूल नंबर टू। इसी का रूल नंबर टू है, वो क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 then preceding digit raised by 1, वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, erased by n, यानी कि एक digit वो क्या आ जाएगा, increase हो जाएगा, उसमें हम 1 add कर देंगे। इसका example अगर हम लें, यह दिया जाए 5.767, ये हमें कह दिया गया, अगर हमें इसे हटाना है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हटाने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक अंक बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5.77, क्या आ जाएगा, 5.77। अगर हमें इसे भी हटाना है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 5.8, आंसर क्या आ गया, 5.8। अगर हमें लास्ट वाला डिजिट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, रेस्ड बाय 1, वो एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर और एग्जांपल हमें ले, 7.648, ये हमारे पास है 7.648, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका आंसर आएगा 7.65, क्या आ जाएगा, 7.65। ओके, और अगर एग्जांपल लें, ये कह दिया 9.67, तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, हमें इस डिजिट को ड्रॉप करना है, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9.7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.7। तो इसके दो रूल हमने पढ़े, अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा, अगर ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या आ जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने राउंडिंग ऑफ के रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ। रूल नंबर थर्ड, इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज 2B5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है, अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 ही है, तो उस केस में जो उससे प्रीसीडिंग डिजिट से पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, सेम का सेम ही रहेगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है 5.25,
ये हमारे पास है 5.25। तो इस केस में ये डिजिट अगर 5 को ही हमें हटाना है, अगर 5 को भी हमें ड्रॉप करना है, उससे पहले वाला डिजिट देखेंगे, अगर इवन है तो उस केस में वो क्या रहेगा, रिमेन सेम ही रहेगा और 5 हट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 5.2। क्या रहेगा हमारे पास, इसी 5.2। अगर 5.23 2365 ये हमारे पास है, तो इस केस में ये वाला 5 हमें 5 ही ड्रॉप करना है, तो उस केस में हमें पहले वाला डिजिट देखना है, अगर वो इवन है तो वो क्या रहेगा, रिमेन सेम ही रहेगा, यानी कि 5.236 5 हट जाएगा, अगर वो इवन है तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रूल नंबर फोर है, इफ द ड्रॉप्ड if the digit is dropped to be 5, then preceding digit raised by 1 if it is odd, अगर वो odd है तो वो क्या हो जाएगा, raised by 1 हो जाएगा। इसका example हमारे पास आ जाए 5.635, ये हमारे पास है, तो ये क्या हमारे पास 5 है, इसी को हमें drop करना है, और पहले वाला digit क्या है हमारे पास, odd है, तो ये raised by 1 हो जाएगा, यानी कि 5.64, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5.64, या फिर हमारे पास 5.7875 ये है। तो अगर ये वाले 5 को ही ड्रॉप करना है और ये हमारे पास क्या है, ओड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 5.88, क्या हो जाएगा हमारे पास 5.88। तो रूल नंबर 3 और 4 क्या है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इफ द डिजिट इज ड्रॉप टू बी 5, अगर ड्रॉप डिजिट 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम इफ इट इज इवन, अगर हमें 5 को ही हटाना है और उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो वो सेम ही रहेगा, वो पहले वाला डिजिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और रूल नंबर 4 क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1 इफ इट इज ओड, अगर हमें 5 को ही हटाना है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास है रूल नंबर 3 और 4, आप इसको नोट कर दीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 9, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल है। ओके, तो इस पहले हम रूल लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाएंगे, अगर आपको लिखा हुआ शायद आपको समझ नहीं आए, फिर मैं अगर आपको समझाऊंगी क्वेश्चन के थ्रू तो आपको जरूर समझ आएगा। तो रूल नंबर नाइन क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व द डेसिमल प्लेसेस इन ऑल गिवन नंबर अवर फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी कि क्या कहा गया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी जितने भी डिजिट दिए होंगे ऐड करने के लिए, उसमें सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए हैं, और हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा उसमें कम से कम डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद।
मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसमें समझा रही हूँ। मान लीजिए हमें दे दिया 6.235, ओके, इसमें ऐड करना है 2.767, 4.1, इसको हमें ऐड करना है, ओके। तो इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो सिंपली पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 5, 7 और 3, 10 कैरी 1, 6, 7, 8, 9 यानी कि 10 कैरी 1, 6, 6 और 2, 6 और 4, 10, 10 to 12, 13 यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 13.005, क्या आ गया हमारे पास, 13.005। तो इस केस में हमें देखना है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है, डेसिमल प्लेसेस इन ऑल गिवन नंबर। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3। इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेसेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अवर आंसर, अवर फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड बाय 1 डेसिमल प्लेसेस। उसमें क्या होगा, 1 डेसिमल तक ही हमें रखना है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे हम। तो ये क्या है, 5 है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, 0 है, तो 5 को ही हमें ड्रॉप करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, तो 5 हट जाएगा हमारे पास, यानी कि 13.00 ये आ गया हमारे पास। अब 0 को करना है, तो लेस देन 5 है, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.0 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 13.0 होगा। अगर आप ये आंसर देते हैं तो ये भी गलत है, अगर ये आंसर देते हैं तो ये भी गलत है, अगर कोई इसको आगे भी राउंड ऑफ करते हैं यानी कि 13 अगर देता है तो ये भी गलत है, फाइनल आंसर हमारे पास होगा 13.0। फाइनल आंसर क्या होगा, 13.0 होगा, ओके, क्योंकि हमें देखा है कि इसमें जो गिवन नंबर है उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही है, तो फाइनल आंसर में भी कम से कम एक डिजिट तक है, कम से कम क्या है, एक डिजिट तक है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। ये हमारे पास इस केस में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ऑब्जर्व हम करते हैं, ओके। अब अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दे दिया, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 7, 4.3 यह आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, दिस इज द ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3.5, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.5, ओके। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये देखना है कि गिवन नंबर में डेसिमल प्लेसेस क्या है और हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ही होगा, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑल गिवन नंबर्स अवर फाइनल आंसर
would be reported by minimum number of significant figure. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें क्या देखना है, जो नंबर हमें गिवन है उसमें सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने कितने कितने हैं, उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर होगा हमारे पास. ओके और मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट फिगर की जगह पे क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर की जगह पे था डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पे भी क्या था हमारे पास डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमें डेसिमल के बाद डिजिट देखनी थी और इसमें क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हमें. तो मान लीजिए कि हमें कह दिया गया हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है 125.04. एग्जांपल मैं अगर ले हूं, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें 0.25 से. ओके तो इसका अगर हम सीधे बच्चों की तरह अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.26. मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ले, फोन में आप कैलकुलेशन करके देखते हो, यही आएगी 3.31.26. ओके यानी कि अगर इसमें अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए अगर इसका फाइनल आंसर देना है तो वो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर डिजिट जीरो है, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे उसमें लास्ट में यूनिट लगा हो, तो वो क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर. तो हमारे पास फाइनल आंसर में भी क्या आना चाहिए, अवर आंसर शुड बी रिपोर्टेड बाय 2 सिग्निफिकेंट फिगर. टू सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए हमारे फाइनल आंसर में. हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देख रहे थे, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस हम देख रहे थे, और फाइनल आंसर में अब जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस थे वही आ रहे थे. तो इसमें भी हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी क्या अभी 4 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13.3 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास फर्स्ट जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. अब इसको भी हमें हटाना है क्योंकि अभी भी इसमें क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको भी हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, ये लेस देन 5 है, तो आंसर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 31. तो अगर फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 31 होगा. ओके अगर और एग्जाम्पल हम इसके लें, अगर और एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल ले 45.042, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है 1.45 से, ये हमारे पास है, तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो क्या आ जाएगी 65.3109. ओके एक मैं और एग्जाम्पल लिखूं, ये हमने कर लिया एग्जाम्पल, और अगर मैं लिखूं तो 0.90 इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है इससे, तो इस केस में क्या आ जाएगी, या फिर इसको डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.211, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.2112676, ये हमारे पास आंसर है. ओके तो इनके हमें फाइनल आंसर बताना है, फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास वो हमें बताना है. तो हमें इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑल गिवन नंबर्स, इसमें हमारे पास क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, अवर आंसर शुड बी रिपोर्टेड बाय 3 सिग्निफिकेंट फिगर. कितने होने चाहिए उसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या है 9 है, ग्रेटर देन 5 है, यानी कि क्या जाएगा 65.311 ये हो जाएगा हमारे पास. अब ये डिजिट क्या है लेस देन 5 है तो ये हट जाएगा, यानी कि 65.31. अब ये डिजिट भी हट जाएगा हमारे पास, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 65.3. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है.
अब इस केस में देखें, 0.90 को हमने डिवाइड किया 4.26 से, तो हमारे पास आंसर ये आया। तो फाइनल आंसर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, टू सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हमारे पास क्या है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल आंसर में हमारे पास क्या है, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो अवर आंसर शुड बी रिपोर्टेड बाय टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यानी कि इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5, यानी कि 0.211268 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8, यानी कि 0.21127 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2113 हो जाएगा। अब इसमें हमें फाइनल आंसर में टू ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हमारे पास ये भी ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि 0.211 आ जाएगा। तो अब ना फाइनल आंसर आ जाएगा 0.21। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो यही था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में। मैं डिफरेंस ये बता रही हूँ कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं गिवन नंबर्स में, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो हमने जो गिवन नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है सबसे पहले, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम इन दोनों में से क्या है, 2 है। तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर होगा। और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस देखने हैं गिवन नंबर ऑफ, जो गिवन नंबर है उसमें डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, और हमारे पास फाइनल आंसर वही होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे पास था रूल नंबर 10, दिस इज द रूल नंबर 10। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के 10 के 10 रूल हमने पढ़ लिए, और राउंड ऑफ भी देख लिया कि कैसे हमें करना है। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। और इस पे बेस अगर आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है तो इस पे बेस एक डीपीपी होगी, जो आपके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डीपीपी का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उस डीपीपी को लिंक पे क्लिक करके, वहां से डीपीपी डाउनलोड करके आप डीपीपी को सोल्व कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ये लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इतना ही था, और जो हमने आज पढ़ लिया, तो लेक्चर 8 हमारे पास कंप्लीट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आपको सभी लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज, यानी कि पूरी +1 +2 के सभी टॉपिक पे बेस, हर एक सभी टॉपिक्स के हर एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप सभी लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।